गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डेट है 20 जुलाई 2020, डे है मंडे। यह है कंप्यूटर की फिफ्थ की बुक। आपका फर्स्ट चैप्टर इसमें चल रहा था और लास्ट के 2 पॉइंट्स रह गए हैं इसके। सेकंड जनरेशन तक कंप्लीट हो गया था, थर्ड जनरेशन पे थे हम। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था आपका वो 1966 से स्टार्ट हुआ था, 1975 में कंप्लीट हुआ था बनना। इसमें आपका क्या बना था थर्ड जनरेशन में, वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे आईसी। ये एक चिप की तरह था और ये आपका कंप्यूटर जो मतलब बहुत ही छोटा साइज था आपका कंपेयर्ड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा साइज था आपका। और इसकी मेन था आपका इसका मेमोरी, जो उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है ना। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। ये आपका 1976 में बना और एट प्रेजेंट ये आज भी है आपका। इसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। ये आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल देते हैं, VLIC, ठीक है ना। ये हैव दे हैव अ मच ग्रेटर कंप्यूटिंग पावर। इसमें बहुत अच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ के इसमें पावर दी गई थी। एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी थी इसमें, बहुत मतलब ज़्यादा हम इसमें मेमोरीज इकट्ठा कर सकते थे जल्दी से। स्टोरेज डिवाइस हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड एट कॉस्ट लेस, यानी इसका जो प्राइस था वो कम कर दिया था और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो आपकी बहुत इम्प्रूव कर दी थी, बढ़ा दी थी, ठीक है ना। इसमें था कंप्यूटर्स कैन बी लिंक टुगेदर और नेटवर्क्ड टू शेयर मेमोरी स्पेस एंड सॉफ्टवेयर, इसमें कर सकते थे हम लोग। द मेजर स्ट्रेस वॉज ऑन इम्प्रूविंग द हार्डवेयर। इसका रिजल्ट क्या था आपका, स्मॉलर साइज था इसका, छोटा साइज था, आप लोगों को दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। और इसकी स्पीड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी फिल करा देती हूँ, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका है इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कौन थे आपके, चार्ल्स बेबेज। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, आपका क्या था, VLIC, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। हाउ मेनी डिफरेंट जनरेशन आर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्लासिफाइड इन टू फोर। वॉट वॉज द वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस्ड विद इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, क्या सेकेंड जनरेशन में क्या आपका रिप्लेस हुआ था वैक्यूम ट्यूब के जगह उसमें ट्रांजिस्टर। अब ये आपकी है राइट द फुल फॉर्म्स आप लोगों को ये नोटबुक में भी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें भी फिल करनी है। ये बुक तो आपको फिल करनी है जितनी मैंने देखो कर रखी है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका है VLIC का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। NCR, नेशनल कैश रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स पे। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। द नेम ऑफ द फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर इन कंप्यूटर हिस्ट्री इज लेडी एडा लवलेस, ठीक है। इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आपका कौन सा, उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स जिसमें यूज हुए थे, ठीक है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर कैलकुलेशन वॉज द अबेकस, कैलकुलेटिंग के लिए जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बना था वो था आपका अबेकस। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट्स अबाउट 2000 ईयर एगो, 2000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर का। ट्रू फॉल्स पे आते हैं, पास्कलिन इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, फॉल्स, अबेकस थी ना। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन LSI, फॉल्स। लेडी एडा लवलेस वॉज द फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ट्रू। वैक्यूम ट्यूब्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, फॉल्स। हॉलरेथ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड, ट्रू। मैच द फॉलोइंग में आते हैं हम लोग, अबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी, ब्लेज पास्कल क्या थे, एडिंग मशीन, चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन बनाया था इन्होंने, लेडी एडा लवलेस का फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी वो, हरमन हॉलरेथ ने पंच कार्ड बनाया था, ठीक है। अब ये आपके हैं रीअरेंज जंबल लेटर्स फ्रॉम करेक्ट वर्ड्स एंड क्लूज, इसमें क्या है आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत दे रखी हैं। जैसे एग्जांपल इसमें आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका क्या बना था, तो ट्रांजिस्टर, ये स्पेलिंग आपको इसमें करेक्ट करनी है। मैंने इसमें नीचे लिख दिया, आप ये बुक में नहीं हो सकता है, तो आपको ये नोटबुक में ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्ट करेक्ट स्पेलिंग ही लिखनी पड़ेगी इसके सामने। अब हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, यूज्ड इन चाइना और जापान, अबेकस।
इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंचमैन पास्कलिन, इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉटर ऑफ द फेमस पोएट बायरन बाइनरी। ठीक है, और ये आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल इसमें थोड़ा बड़े बड़े हुए हैं तो इसमें लिखा नहीं जा रहा है, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाल दूंगी, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये लास्ट आपका दे रखा है इसमें सॉल्व द पजल, ये आपको दिख रही होंगी यहाँ पे स्पेलिंग्स दिख रही है ना, ये सारी स्पेलिंग्स आपको इसमें ढूंढनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसमें है वैक्यूम ट्यूब्स, मैंने यहाँ पे इसमें दिखाया भी है वैक्यूम ट्यूब्स, इस तरीके से आपको ये ढूंढनी है। ठीक है ना, तो ये आपको इसी में करना है। मैं बताती हूँ आपको इसमें करना क्या है। आपको अपनी एक फेयर नोटबुक लेनी है कंप्यूटर की, उसमें आपको डालना है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और चैप्टर का नाम, डेट, चैप्टर का नाम डालना है आपको चैप्टर वन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, और डेट डालनी है आज की। फिर उसके बाद ये तो आपको बुक में फिल करना है जितना मैंने आपको बताया। आपको क्या क्या चीज़ नोटबुक में लिखनी है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपको, वर्ड मीनिंग के बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भेज दूंगी, आप उससे देख सकते हो। ठीक है ना, ये आपको लिखना है, आपको ये टेबल उसी में बनानी है ये वाली, और आपको ये मैचेट जो दिए थे, सॉरी मैचेट नहीं, ये रीअरेंज जंबल बर्ड्स वाले जंबल लेटर्स, ये भी आपको नोटबुक में ही करना है। कैसे करना है, डायरेक्ट ये जो स्पेलिंग लिखी है ये आपको यहाँ लिखनी है और इसके सामने ये इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, तो आपको क्या क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये फोर्थ वाला ये करना है आपको, रीअरेंज वाला, और ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है, नोटबुक में, और ये फुल फॉर्म्स भी आपको नोटबुक में ही लिखनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें इसमें नहीं है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भेज दूंगी और पूरी एक्सरसाइज की भी भेज दूंगी, जिससे आप लोगों के लिए देखना इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।